हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी समोसा। अगर आप भी मार्केट जैसा बिल्कुल हलवाई स्टाइल समोसा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको कुछ ऐसा ट्रिक या ट्रिप्स बताएंगे जिसे देखने के बाद आप भी टेस्टी और हलवाई स्टाइल समोसा बना कर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल लेंगे। अजवाइन से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है समोसा में, तो इसे ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मोयम के लिए इसमें रिफाइंड डालेंगे और अच्छे से इसमें मोयम दे लेंगे। मोयम देने के बाद इस तरह से मूठी बंद करके आटा को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं मूठी बंद करने के बाद आटा भी बन गए। इस तरह से मोयम दे लेंगे और इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। और हमें सख्त आटा गूंथ के तैयार करना है। आप मुलायम बिल्कुल मत करिएगा वरना आपका जो समोसा है खस्ता नहीं बनेगी। और आप देख सकते हैं मैंने एकदम टाइट आटा गूंथ कर तैयार कर लिया। चलिए इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तब तक मसाला तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं। इसमें लिए हैं सरसों तेल, क्योंकि सरसों तेल में बहुत ही टेस्टी मसाला बनकर तैयार होता है। थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे और तीखे के अनुसार इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डाल लिए हैं। थोड़ा सा लहसुन पत्ता और 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे और अच्छे से 1 से 2 मिनट तक इसका भुनाई कर लेंगे। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो ड्राई मसाले में मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल लिए हैं। मसाला मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं डाले हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 से 12 मैंने आलू को उबाल को हाथ से मैश कर लिए हैं, इसे डाल लेंगे और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टेस्टी चटपटा मसाला बनाने के लिए इसमें 1 मसाला डालेंगे। तो इसमें मैं मैगी मसाला डालूंगी। मैगी मसाला से काफ़ी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो एक बार ज़रूर डाल के आप देखिएगा, बहुत ही टेस्टी मसाला चटपटा बनकर तैयार होगा। और मैगी मसाला डालने के बाद इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल लेंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, बिल्कुल मार्केट जैसा मसाला बनकर तैयार हो गया। बहुत टेस्टी और चटपटा। इस तरह से आप तैयार करेंगे तो आपका मसाला बनकर तैयार होगा। और आटा का भी रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए, ये सेट हो गए हैं अच्छे से। अब इसका छोटे छोटे पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने से हमारा जो काम है आसान हो जाएगा बेलते समय। सारा लोई मैंने बनाकर तैयार कर लिए है। 1 लोई लेंगे और इसे हमें पूड़ी की तरह बिल्कुल गोल बेल लेना है। जब इस तरह से गोल बेल लेंगे तब इसे लंबा शेप में बेलेंगे। और आप देख सकते हैं इसको मैंने लंबा कर लिए हैं। और इस तरह से बेलने के बाद आपको दिखा रहे हैं कितना इसे हम पतला और मोटे रखें। तो हम जिस तरह से नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं बिल्कुल उससे थोड़ा सा पतला करना है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और ये बेलने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से इसका हमने पतला बेल कर तैयार कर लिए हैं रोटियाँ। इसी तरह से सारा रोटी हमको बेल के तैयार कर लेना है। अब इसे कट कर लेंगे बीच में से। तो इसमें 2 समोसा बनकर तैयार हो जाएंगे। सारे पूड़ियाँ बनाने के बाद 1 पूड़ी लेंगे और इसके कॉर्नर साइड पानी लगाएंगे। पानी हम अच्छे से लगाएंगे ताकि ये बीच में खुले नहीं, अच्छे से चिपक जाए। और इसे अच्छे से सील कर लेंगे। और सील करने के बाद इस तरह से हाथ पे इसे रख लेंगे। अब इसमें स्टफिंग भर लेंगे। स्टफिंग मैंने इसमें 1 चम्मच रख लिए हैं। इसमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालेंगे क्योंकि इसे बंद भी करना है। कॉर्नर साइड छोड़ देंगे और साइड साइड से पानी लगा लेंगे। और इसे अच्छे से पीछे साइड 1 प्लेट देंगे इस तरह से। और इसका अच्छे से मुँह सील कर लेंगे। 1 समोसा बना कर तैयार कर लिए हैं। और इसी तरह से आपको 1 समोसा और बना कर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे तरीके से आप समोसा बनाकर खाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। आप किसी के लिए बनाकर इस तरह से तैयार करेंगे तो आपसे पूछेंगे कहाँ से आप मंगवाई हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, क्योंकि इसका स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से इसे भी हमें बनाकर तैयार कर लेना है। बस इसका मुंह सील कर लेंगे। और ये लीजिए, मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। और इधर तेल भी गर्म हो चुके हैं।
तेल हमें मीडियम गरम चाहिए, ज़्यादा नहीं। आप जितना हैंडल कर पाएंगे या जितना स्पेस है कढ़ाई का उसके हिसाब से डाल लेंगे। और इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तल लेंगे, तभी जाकर जो हमारा समोसा है क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे ताकि हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इसे मैंने 1 से 2 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक गैस का फ्लेम मीडियम किए थे। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गए हैं, बस इन्हें निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे डार्क नहीं करना है। और बाकी का समोसा भी हम इसी तरह से तल लेंगे। चलिए इसे भी डाल लेते हैं। और ये लीजिए, चटपटा टेस्टी और क्रिस्पी कढ़ाई समोसा बनकर बिल्कुल मार्केट जैसा घर पर तैयार हो गए हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट लाइक करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर।